दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक नया नाइटी बनाना दिखा रहा हूँ। जिन लोगों को नाइटी बनाना नहीं आता है उन लोगों के लिए भी ये बहुत आसान तरीका है, वो देख लीजिए आप लोग। ये देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको मेजरमेंट इसके राइट साइड में दिखाया हुआ है उसको चार हिस्से में डिवाइड करके मैं इधर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके लिए मैं कपड़ा लिया हुआ है, 3 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और वो चार फोल्ड करके भी रखा हुआ है, ठीक है। ये जो मेजरमेंट के हिसाब से मैंने ये कटिंग कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो ज़रूर ध्यान से देख लीजिए, आप लोग को बहुत ही आसान होगा ये नाइटी बनाना। ये देखिए, ये इसका फोल्ड है, ये चार फोल्ड किया हुआ फोल्ड है ये। उधर से हम मार्किंग कर लेना है। सबसे पहले हम इसका लंबाई मार्किंग कर लेता हूँ। ये देखिए 50 इंच का है, इसके लिए हम 51.5 इंच इधर मार्किंग कर लेता हूँ। उसके बाद में हम शोल्डर मार्किंग कर लेता हूँ 7.25 इंच और आधा इंच उसमें सीम अलाउंस भी जोड़ देता है, ठीक है। चेस्ट लाइन इसमें मार्किंग कर रहा हूँ मैं 7.5 इंच का। उसके बाद में चेस्ट का साइज होता है इसका 10 इंच, 40 साइज का है, उसमें 4 में डिवाइड करेगा तो 10 इंच आता है, वो 10 इंच हम इधर मार्किंग कर लेता हूँ। इधर भी हम 1 इंच सीम अलाउंस इसमें जोड़ देता है। उसके बाद में देखिए वेस्ट लाइन बना रहा हूँ मैं 6.5 इंच में। वेस्ट का मेजरमेंट आता है 9.25 इंच। उसके बाद में हम अभी हिप मेजरमेंट बना देता हूँ। हिप लाइन हम बना लेता हूँ इसमें 7.5 इंच में और हिप का विड्थ हम बना रहा हूँ 10.5 इंच में। ये मार्किंग करने के बाद में अभी हम इसमें सबसे पहले आर्म होल बना लेता हूँ, पीछे वाला आर्म होल। उसके बाद में हम कर्व रख के उसको एकदम सही किया हुआ है, अभी हम हिप कर्व रख के इसको इसी तरह शेप बना देता है। ठीक है, अभी हमारा ये हिप तक इसमें काम हो गया हुआ है, लेकिन अभी इसमें हिप वाला शेप हम और थोड़ा बढ़ा के बना लेता हूँ। नाइटी में हमें थोड़ा खुला जगह मिलने के लिए फ्री होना चाहिए, उसी करके हम हिप इसी तरह शेप दे देते हैं, थोड़ा ज़्यादा खुला कर देते हैं। ये हमारा पीछे वाला पीस है, अभी आर्म होल एक बार नाप लेने का हमारा हिसाब से है क्या नहीं। अभी इसमें से हम सिर्फ पीछे वाला पीस काट के निकाल लेते हैं, ज़रूर ध्यान से देख लीजिए, सिर्फ पीछे वाला पीस ही हमें काट लेना है। ठीक है, अभी हमारा पीछे वाला पीस काट के हम निकाल दिया हुआ है। अभी हमें इसमें सामने वाला पीस काट के निकाल देना है। उसके लिए देखिए, हम जो पीस इधर से काट के निकाल दिया हुआ है वो शोल्डर लाइन से दोबारा हम एक लाइन बना देता है। वो एक लाइन बना के उसको सीधा लाइन में कर देता है सबसे पहले। उसके बाद में देखिए, ये जो पीछे वाला पीस है इसको निकाल के इसी तरह, ये देखिए बीच में से हम इतना छोड़ के रख देते हैं, क्योंकि हमें इसमें प्लीट कितना मिलना है वो देख के हम इसमें इतना आगे लगा दिया हुआ है इसको। उसके बाद में इसको शेप, हम जो पीछे वाला पीस काटा है वही शेप इसमें भी हम मार्किंग कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह मार्किंग कर लेने का। अभी ये देखिए, ये जो ऊपर वाला मार्किंग हमने किया हुआ है उधर से 4.5 इंच का एक मार्किंग इधर कर देने का हम।
हमें इधर दूसरा पीस अटैच करना है, इतना जगह हमें काट के निकाल देना है। और इसके नीचे जो लाइन के नीचे आता है उधर हम इलास्टिक डाल देना है इसमें। वो सब किस तरह करते करके मैं सिलाई में आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसी तरह ही काट देने का आप लोग। अभी देखिए ये हम फ्रंट मार्किंग किया हुआ है और ये बैक मार्किंग किया हुआ है, ये दोनों अलग अलग आपको समझ में आया होगा। अभी अभी ये जो पीस है इसमें से हम इसका स्लीव काट के निकाल देता हूँ। स्लीव हमें 7 इंच तक उसका लंबाई चाहिए, उस हिसाब से हम इधर मार्किंग कर लिया। और ये जो लाइन के आगे हम इधर 3.5 इंच का मार्किंग इधर कर दिया। उसके बाद में हमें कितना चौड़ाई चाहिए वो इधर मार्क करके हम इसका शेप दे देते हैं। और उसमें सीम अलाउंस भी मार्किंग करके हम इसको काट के निकाल देना है। अभी हमें इसमें फ्रंट पार्ट में योक काट के जोड़ना पड़ेगा। हमें हम फ्रंट पीस आप देखा है ऊपर से हम 4.5 इंच तक हमने लंबाई कम काटा हुआ है। अभी देखिए उसका मार्किंग हम किस तरह करते करके, ये जो शोल्डर विड्थ जो होता है उसी हिसाब से हम काट के निकाल देता है उसमें। इसमें हम ये कपड़े से मिक्स एंड मैच कर लेते हैं। इसके लिए हम ये देखिए 4 इंच चौड़ाई में इधर से पीस काट के निकाल देता है। यही पीस हम उधर अटैच करके उसका फ्रंट वाला योक बना देते हैं। ये देखिए हमारा कटिंग पार्ट इधर हमारा पूरा हो गया। अभी हम सिलाई आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सिलाई में सबसे पहले मैंने स्लीव में पाइपिंग लगा रहा हूँ, सिर्फ सिंपल एक स्ट्रिप इसमें अटैच करके इसको पाइपिंग तरह की तरह बना देता है। ये देखिए इसी तरह आप 1 इंच चौड़ाई में पीस काट के इसी तरह रख के सिलाई करने का, आपको जितना चौड़ाई चाहिए उस हिसाब से। देखिए उसके बाद में इसी तरह इसको पीछे की तरफ फोल्ड करके हम सिलाई कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा स्लीव पाइपिंग लगा के तैयार हो गया। दोनों स्लीव हम तैयार कर दिया हुआ है। अभी ये देखिए ये फ्रंट वाला योक के लिए ये जो पीस हमने काटा हुआ है इसका लंबाई ज़्यादा रखा हुआ है हमने। इसका देखिए एक ये जो साइड हम एक पैर के हिसाब से इसको सिलाई कर देता है। इधर हमने बंद कर दिया। अभी ये डबल फोल्ड कपड़ा करने के लिए हम इसको फोल्ड किया हुआ है, फोल्ड करके अभी बंद किया। ये देखिए उसके बाद में इसको इसी तरह अंदर से बाहर की तरफ साइड कर देने का। ठीक है, इसके बाद में ये देखिए ये हमारा फ्रंट पैनल है, हमने पहले से मार्किंग करके रखा हुआ है। ये देखिए इसका ये जो साइड है ऊपर वाला हमने काटा हुआ किनारा, उसका सिर्फ किनारा हम एक बार मोड़ के सिलाई कर देता है। ठीक है, इधर ही हमारा इलास्टिक आ जाता है। हम सबसे पहले इधर ये योक वाला पीस हमने बनाया हुआ है अभी मिक्स एंड मैच करने वाला, उसको इसमें अटैच कर देता है। ये देखिए इतना फोल्ड आएगा, इसके अंदर हमारा इलास्टिक चले जाएगा। 1 इंच चौड़ाई वाला इलास्टिक लगा रहा हूँ हम, तभी ये इसके अंदर से आराम से चले जाना है। उसके पहले हम सबसे पहले ये पीस इसमें अटैच कर देता है। ये देखिए हम किस तरह इसको अटैच करते करके ये जो फोल्ड वाला साइड है, फोल्ड वाला साइड इधर अटैच कर देता है। ठीक है, ये आपका गले में आ जाएगा ये। देखिए इसी तरह रख के हम इसको सिलाई कर देते हैं।
दोनों साइड उसी तरह हम अटैच कर देते हैं। ठीक है, अभी ये अटैच हो गया हुआ है। अभी इसको देखिए, हम इसी तरह फोल्ड करके एक और बार इसमें सिलाई कर देते हैं, तभी हमारा इलास्टिक इसके अंदर से डाल सकते हैं। इसी तरह इसको इधर बंद कर देता है इलास्टिक डालने के लिए। ये बहुत ही आसानी काम है। ये आपको ये देखने में थोड़ा आपको टफ लगेगा, लेकिन ये बहुत आपको एक बार करेगा तो आपको पता लगेगा बहुत ही आसान काम है, और इसका फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया आता है। आप लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें बहुत सारे वीडियो हमने बनाया हुआ है। ये देखिए, ये अभी हमारा काम ख़त्म हो गया, ये योक अटैच हो गया हुआ है। इसको एक और बार हम बाहर से भी सिलाई करके इसको पक्का कर देते हैं इधर। ये तो एकदम आप किनारे से सिलाई करना पड़ेगा, नहीं तो आपका इलास्टिक अंदर से जाना मुश्किल होगा। ये भी ज़रूर आप लोग ध्यान रख लीजिए। ठीक है, ये पूरा तैयार हो गया। अभी हमें इसमें इसका शोल्डर जोड़ सकता है। शोल्डर जोड़ने से पहले हम इसमें जो एक्सेस है इसमें, उसको हम काट के निकाल देते हैं, नहीं तो आपका गला डीप ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम 6.5 इंच का लंबाई रख के हम इसको काट लेते हैं। ये जो पीस हम काटा हुआ है उसी टाइम हम इसको लंबाई ज़्यादा रख के काटा हुआ है, ज़रूर आप लोग ध्यान में रख लीजिए। अभी हम पीछे वाला नेक काटता है, नेक काट के इसको पीछे वाला पीस में भी हमें नेक बनाना है। वो देखिए किस तरह करता है करके, उसमें 3.25 इंच चौड़ाई और 4.5 इंच डीप बना के हमने इसका गले को शेप दे रहा हूँ। ये भी एक टाइप का स्क्वायर शेप दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखिए हम दूसरा एक पीस, इसी कपड़े का एक पीस रख के हम इसको सिलाई कर देते हैं। सिलाई करके हम बाहर से अंदर की तरफ इसको मोड़ देते हैं, जैसे हम कुर्ती वगैरह में गला बनाते हैं उसी टाइप में ही हम बनाते हैं इसका गला भी। ये देखिए, ये पीस तैयार हो गया। अभी हम इसको इसी तरह रख के हम सिलाई कर देते हैं। ठीक है, अभी ये पीछे वाला पैनल में हम बाहर वाले साइड में रख के सिलाई करके अंदर की तरफ मोड़ना है, उसी तरह ही हम सिलाई करता है। के बाद में देखिए इसी तरह इसको हम काट के निकाल देता हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारा पीछे वाला गला अभी तैयार हो गया। अभी इसको हम अंदर की तरफ मोड़ देते हैं ये कॉर्नर काटने के बाद में। ठीक है, इसी तरह मोड़ने के बाद में अभी हम इसका शोल्डर ज्वाइन कर लेता हूँ। ये देखिए, अभी हम ये सामने वाला पीस है इसका अच्छे वाला साइड में मिला देता है इसी तरह। मिलाने के बाद में ये देखिए, हम जो नक अभी जोड़ दिया हुआ है उसको इसी तरह मोड़ के रख के हम सिलाई कर देते हैं। ये दोनों शोल्डर उसी तरह हम सिलाई कर देते हैं।
जैसे हम कुर्ती वगैरह सिलाई करते हैं उसी तरह ही इसका भी शोल्डर हम जोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखिए अभी इसका शोल्डर एकदम पक्का हो गया, देखने में भी बढ़िया फिनिशिंग आ गया हुआ है। अभी हम इसमें इलास्टिक डाल के फिनिश करना है। उसके पहले ये जो गला इधर हम सिलाई करके अटैच कर देते हैं पीछे वाला। ये देखिए इसी तरह करेगा तो आपका गला एकदम अच्छा बैठ जाएगा। ओके, ये हमारा फ्रंट और बैक तैयार हो गया हुआ है। अभी देखिए इलास्टिक इसमें डालने के लिए हम 15 इंच लंबाई इलास्टिक लिया हुआ है। ये हमें इतना चाहिए नहीं, लेकिन हम ज़्यादा लिया हुआ है। अभी देखिए इसके अंदर हम इलास्टिक इसी तरह डाल देते हैं। आपको आपके पास सेफ्टी पिन है तो उसी तरह भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं इसमें सुई लगा के अंदर की तरफ डाल देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये अभी हमारा इलास्टिक इधर आ गया हुआ है। अभी हम सबसे पहले इलास्टिक को इस साइड में रख के लॉक करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको हम शेप में कर देते हैं। ये जो एक्सेस है उसको हम प्लीट में अभी कन्वर्ट कर देते हैं। वो बीच में हमें प्लीट करना है। अभी दोनों साइड एकदम पक्का करके प्लीट्स पूरा इसके बीच में कर देना है। ठीक है, अभी ये देखिए इसका चौड़ाई ज़्यादा है। हमें इसका गले का चौड़ाई रखा हुआ है 6 इंच। ये 6 इंच आते तक आपको ये इलास्टिक को खींच के इसको इसी तरह एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए हम अभी गला इसका एकदम 6 इंच में छोटा करके लाया हुआ है। ठीक है, अभी हम इसमें जो एक्सेस इलास्टिक है उसको काट के हम निकाल देता है। काट के निकालने के बाद में इस साइड में ये दोनों साइड हम पक्का कर देता है, क्योंकि हमें उधर खींचना नहीं चाहिए, इसलिए हम सबसे पहले इसको काट लेता है। अभी देखिए ये 2.5 इंच तक, इसमें 2.25 इंच 2.5 इंच तक इसमें कम आ गया, मतलब आप अभी हमारा इलास्टिक का लंबाई रखा हुआ है हमने 12.5 पौने 13 इंच तक। अभी इधर इसको हम पक्का कर दिया। सबसे पहले दोनों साइड पक्का कर देने का। अभी ये साइड भी हम पक्का कर देते हैं। ठीक है, उसके अभी देखिए ये एकदम फ्लैट हो गया। दोनों साइड में हमने जो योक लगा हुआ वो एकदम पक्का हो गया हुआ है। अभी ये साइड में भी हम लॉक करेगा तो फिर हमारा बीच में जो हमने प्लीट्स डाला हुआ है वो कहीं नहीं जाएगा, एकदम पक्का उधर का उधर ही रहेगा। ठीक है, ये भी साइड, ये साइड में भी हम पक्का कर देते हैं। ये आप ज़रूर ध्यान में रख लीजिए, ये आप पक्का करेगा तो ये आपका ये जो नेक एकदम बढ़िया फिनिशिंग में रहेगा, नहीं तो इतना अच्छा फिनिशिंग में नहीं रहेगा। अभी देखिए हमारा काम, मेन काम तो हो गया। अभी हमें स्लीव अटैच करके इसका बाकी काम फिनिश करके पूरा कर सकते हैं। अभी देखिए आप खींचेगा तो भी ये उधर का उधर ही रहेगा, आगे नहीं जाएगा। अभी हम स्लीव अटैच करके इसको फिनिश कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह दोनों स्लीव अटैच कर देने का। हम जो योक बनाया हुआ है वही पाइपिंग हम स्लीव में भी दिया है, इसलिए आपको ये देखने में भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये इसी तरह हमने एक स्ट्रिप बनाया हुआ है, उसको हम नेक के नीचे वाला साइड में हम रख के सिलाई कर देता है। ये इसके लिए आपको डोरी भी लगा सकता है।
देखिए हमारा नाइटी का काम इधर ख़त्म होने वाला है, अभी सिर्फ इसमें साइड सीम सिलाई करके फिनिश करने का ही काम रह गया हुआ है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए, और आप लोग कमेंट करना भी ना भूलिए। अभी अगले एक अच्छे वीडियो के साथ फिर मिलता है, आप लोग ज़रूर ये वाला नाइटी ट्राई कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।